चंद्रयान 3 की कामयाबी देख चीन की छाती पर लौटे सांप, हिंद महासागर में घुसा ड्रैगन का महाशक्तिशाली जासूसी जहाज। चंद्रयान 3 को बर्बाद करने चीन ने लगा दी असली ताकत, तुरंत इसरो ने लगा डाली तगड़ी फोर्स, सपोर्ट में कूदा नासा। दोस्तों, चीन चंद्रयान 3 को गिराने की खतरनाक साजिश में जुट गया है। जिनपिंग ने वैज्ञानिकों से कह दिया है करो या फिर मरो। जी हां दोस्तों, पहले जमीन फिर समंदर और अब अंतरिक्ष में भी भारत के पीछे चीन हाथ धोकर के पड़ चुका है और इस बार निशाने पर है हमारा चंद्रयान 3। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो अब दे दनादन मिशन लॉन्च करने वाला है, लेकिन दोस्तों चीन ने इसी दौरान अपना शैतानी दिमाग चला दिया है जो आखिरी वक्त में सब कुछ बर्बाद करके तबाही मचा सकता है, क्योंकि उसने अपने जहाज को तब भेजा है जब चंद्रयान 3 ने 25 जुलाई को ही फिफ्थ ऑर्बिट में एंट्री मार ली है और इस वक्त वो 40,400 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों कि वो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट को गिराने की बड़ी चाल चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसरो के पास भी इस वक्त बहुत ही पावरफुल स्केल एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट हैं। लिहाजा दोस्तों भारत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों चीन ये चाल कैसे रच रहा है, कैसे वो पूरा का पूरा जाल बिछा रहा है, इसरो ने वो कौन सी प्लानिंग हासिल कर ली है जिसको किसी भी हाल में चीन ट्रैक कर लेना चाहता है, और इसके बचाव के लिए इसरो ने अचानक से कौन सी ताकत लगा दी है, क्यों इस काम में नासा भी अब इसरो के साथ में आकर के खड़ा हो चुका है, उसने भी अपने तमाम हथियार अब इस मामले में लगा डाले हैं। तो दोस्तों वही इटली और स्वीडन से एक बड़ी खबर आई है, वो क्यों चीन की नींद उड़ाने वाली है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं जो इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर रही हैं। तो दोस्तों ये तो आप देख ही चुके हैं कि इस वक्त दुनिया में भारत का चंद्रयान 3 ट्रेंड कर रहा है और ये चाइना को बिल्कुल भी नहीं पच रहा, और इसे देखते ही चाइना ने आनन-फानन में अपना जासूसी जहाज समंदर के अंदर उतार दिया है। और दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से उसने चंद्रयान को गिराने के लिए अपनी साजिशों को अंजाम दिया है वो बड़ा ही संदेहास्पद लग रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन का बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 6 इस वक्त इंडोनेशिया के पास पहुंच चुका है। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क का यूज भारत चंद्रयान 3 को ट्रैक करने में कर रहा है। और दोस्तों जब भारत अपने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारेगा तो यह जहाज भारत के और करीब आ सकता है। दोस्तों यह जहाज अपने शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर लेता है। यह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे किसी भी यान को सूंघ लेने की क्षमता रखता है। दोस्तों चीन के पास इस युआंग वांग सीरीज की कई शिप मौजूद हैं जो चीन के स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बहुत सारे अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर फायदेमंद है, जिसकी मदद से ये जहाज सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्टिंग और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किसी भी यान की लाइव ट्रैकिंग कर सकता है। मतलब दोस्तों ये चंद्रयान 3 की भी पूरी की पूरी जानकारी जुटाने में लग गया है। दोस्तों इससे पहले भी एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 के बाद इसी महीने 30 जुलाई को एक ऐसा मिशन लॉन्च होने जा रहा है जो चीन की छाती पर 24 घंटे मंडराने वाला है। दोस्तों ये मिशन सीधे तौर पर भारत का तो नहीं है, लेकिन जिस देश के लिए ये काम इसरो कर रहा है वो चीन का जानी दुश्मन है और उसका नाम है सिंगापुर। और दोस्तों ये है उस महाशक्तिशाली जासूसी सैटेलाइट की तस्वीर जिसे देखते ही चीन की सांसें उखड़ गई हैं, क्योंकि दोस्तों जिस रास्ते से दुनिया में अपने जहाज भेजकर चीन अपनी इकोनॉमी को खाद पानी देता है उसी रास्ते पर ये सैटेलाइट चेक पॉइंट का काम कर देगा। यानी कि चीन अगर सांस भी लेगा तो ये उसकी धड़कनों को नाप डालेगा। ठीक से कहूं तो दोस्तों चीन की इकोनॉमी का गला दबाने वाला कारनामा है जिसे इसरो 30 जुलाई को अंजाम देने वाला है। अंतरिक्ष के अंदर ये सैटेलाइट लॉन्च होगा भारत के PSLV C-56 के जरिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने अगले ही महीने सबसे बड़ा सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च करने का प्लान रेडी कर लिया है जो 26 अगस्त को उड़ान भरेगा। तो वही दोस्तों इसरो ने गगनयान और शुक्रयान के राउंड भी फाइनल कर लिए हैं। इसी बीच छोटे से लेकर के बड़े रॉकेट दे दनादन लॉन्च करने में जुटे हुए हैं और इसी ने चीन की हालत खराब कर दी है। वैसे दोस्तों कपटी चीन दक्षिण चीन सागर के बाद लगातार हिंद महासागर पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है और यही
वजह है कि वो अफ्रीका के अपने जिबूती नेवल बेस को मजबूत करने में जुटा हुआ है, साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी वो नेवल बेस बनाने में जुटा है। लिहाजा दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज के घुसने पर भारत की नौसेना भी एक्शन में आ चुकी है। भारत लगातार अपने नेवल बेस को मजबूत कर रहा है ताकि चीनी ड्रैगन पर लगाम लगाई जा सके। भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन खरीदे हैं और P-8I विमान लगातार हिंद महासागर की गश्त कर रहे हैं। ये जहाज चीनी पनडुब्बियों का काल बनकर के उन पर मंडरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चीन के इस जहाज के अचानक से हिंद महासागर में आने से चीन की मंशा को लेकर के कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इससे पहले भी चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन दोस्तों अब चूंकि भारत चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को ही चांद की सतह पर उतारने का प्लान बना चुका है, जिसकी ट्रैकिंग में जरा सी भी गड़बड़ी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1,27,000 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इसी रफ्तार में दौड़ रहे चंद्रयान को वो कमांड दे रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, थोड़ी सी भी गड़बड़ी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है और इसी दौरान स्वीडन और इटली की ट्रैकिंग एजेंसियों ने इसकी तस्वीरें रिलीज की हैं, जो अपने आप में बेहद खास हैं और ये बता रही हैं कि चंद्रयान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, इसी दौरान चीन की साजिशों को बर्बाद करने के लिए भारत ने अब तगड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर लगे हैं, जिससे भारत के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN से सीधा संपर्क है। जब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के पास जाकर के लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे तो वहां यानी कि चांद पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर जो कुछ देखेगा उसके बारे में लैंडर को जो मैसेज भेजेगा वो सीधा डीप स्पेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, लैंडर अपना मैसेज तीन तरह से धरती तक पहुंचा सकेंगे। पहला तो लैंडर डायरेक्टली मैसेज IDSN को भेजेगा, दूसरा ये प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेज सकता है जिसमें एस बैंडर ट्रांसपोंडर लगे हैं, जो कर्नाटक के रामनगर में मौजूद बेलाऊ में लगे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेज देगा। एक तीसरा ऑप्शन और है और वो है चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर का, जो इस वक्त चांद के ऊपर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, ये सभी डेटा IDSN में भेजेंगे, जहां तीन बड़े एंटीना लगे हैं। एक 32 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीना है, एक 18 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीना है और एक 11 मीटर का टर्मिनल ट्रैकिंग एंटीना है, जो सब कुछ रिसीव कर रहे हैं। दोस्तों, IDSN इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क का पार्ट है, जिसके जरिए देश के 21 ग्राउंड स्टेशन से संपर्क और कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। दोस्तों, IDSN ही इसरो के सभी सैटेलाइट्स चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2, नेविगेशन सैटेलाइट्स, कार्टोग्राफी सैटेलाइट से लगातार संपर्क साधता रहा है। और दोस्तों, चीन के खतरे को देखते हुए इस वक्त चंद्रयान 3 को केवल भारत के डीप स्पेस नेटवर्क से ही नहीं बल्कि दुनिया की कई एजेंसियों के ट्रैकिंग सेंटर से ट्रैक किया जा रहा है और इस काम में दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी लगातार भारत का साथ दे रही है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के डीप सेंटर से भी मिशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। मतलब दोस्तों, 384,000 किलोमीटर दूर चांद से संपर्क एक दो नहीं बल्कि कई नेटवर्क के जरिए स्थापित किया जा चुका है। और दोस्तों, चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए अब पूरी दुनिया भारत का साथ देने में जुट गई है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं।